सर, मैं प्रीतम साला ब्लॉकर एक्सपेंडर ब्लॉक। आज ये जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे जो क्रमिक अंचल है उसमें हमारी इंद्र ब्लॉक उन्नति बारी थी, तो उस लक्ष्य में हमारे हैं और हमें पूर्ण आशा है कि ये जो फंक्शन चल रहा है ये हमें पेंशन जरूर दिलाएगा। गवर्नमेंट पेंशन हमें अवश्य देगी, सबकी बात मिलनी ही है। और आज भी तो कल हमें गवर्नमेंट पेंशन दे दी। गवर्नमेंट बातों को नहीं माने ये नहीं हो सकता। आपको तो जो गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन को, अपने नागरिकों को एक किस्म से पालती है, तो गवर्नमेंट इज इक्वल टू मदर। तो मदर कभी अपने बच्चों को कहना नहीं माने, ये कैसे हो सकता है? उनको मानना ही पड़ता है। देर सब कितने दिन मान लाज रहती है, दो दिन चार दिन, फिर क्या होता है, फिर एक दिन मान जाते हैं, वो बच्चे भी मान जाते हैं उनकी बात। वही बात है गवर्नमेंट का, वो बात तो हमें पूरा पूरा यकीन है। ये जब तक हमारी जो अपनी जो स्टेट की जो बॉडी है, हमारी राज्य कार्यकारिणी है, जब तक वो इसको कंटिन्यू रखने के लिए बोलेंगे तब तक चलती रहेगी। जिसे आदेश होंगे कि आज इसको आप जिला से आज क्रमिक पेंशन का दूसरा दिन था पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लेवल के ऊपर, तो आज हम उन्ना की बारी थी उसमें हम बैठे हुए हैं। तो हमारी सरकार से बार बार यही डिमांड है कि आप पानी पेंशन जल्दी से बहाल करें। कल ही झारखंड राज्य में भी पानी पेंशन बहाली की सूचना मिली है, तो धीरे धीरे सभी राज्य इसको बहाल कर रहे हैं। तो हिमाचल सरकार पता नहीं क्यों हमसे इस तरह का व्यवहार कर रही है, क्योंकि इसके इस बात को आगे आगे खींच रही है। अभी थोड़ा समय के बाद चुनाव भी आने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि चुनावों से पहले सरकार जो है इसको बहाल करें। और ये हमारा क्रमिक पेंशन है शिमला में भी चला हुआ था। पहले हमने जब हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी उस टाइम उन्होंने बोला कि हम केंद्र से बात करेंगे और आपको जल्द ही इसके बारे में सूचित करेंगे, परंतु उसके बाद किसी तरह की हमें सूचना नहीं मिली है। किसी अधिकारी या किसी भी स्तर पर हमें बुलाया नहीं गया। तो ये कर्मी पेंशन कल से जारी है और ये चलता रहेगा, धीरे धीरे ये और बढ़ेगा। अभी हमें लोकसभा स्तर के ऊपर इसका इसको आयोजन कर रहे हैं, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद और चीज़ें बढ़ती जाएंगी। लोगों का जैसे कोच बोल रहा है, पिछले कल भी हमने एक स्तर पर वेट मीटिंग का आयोजन किया, तो जहाँ इसमें लोगों का कोच देखने को मिला है। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि आप जल्दी जल्दी इसके ऊपर सोचें और जल्दी पानी पेंशन